अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं, मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो एक शेयर करते हैं दोस्त की तरह। अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अचानक ही धूप निकल आई और धूप जो है ना वो इस टाइम बहुत बुरा हाल कर रही है जिसम का। गर्मी से जो है ना अजीब ही मौसम हुआ, इसको कहते हैं सोन भादरू पंजाबी ज़बान में, और आम ज़बान में जो है ना बरसात का मौसम है। ठीक 10-15 मिनट पहले शदीद बारिश हो रही थी और मैं बारिश में शर्ट उतार के नहा रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलो यार सफाई करें, क्योंकि मैंने एक बंदे को बोला हुआ था सफाई का, वो फिर गंद डल गया रोज़ की तरह। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये सारा मैंने विड अभी साफ़ किया और ये आज फाइनली मैंने साफ़ खुद ही किया है। तो मैंने कहा बारिश से पहले बारिश तेज़ हो जाए फिर चिकड़ बने, इनमें सुंडियाँ पैदा हो गई हैं सारे में। ये मैंने बड़ी मेहनत करके, ये नैला और ये है बड़ी, अभी बोला रह गया सारा, सारे के बोतल अलहमदिल्ला हमारे हल्दी एक्टिव है। और ये देखें ये सारा सफाई की है, अभी मैं इसको एक दफ़ा और जो है ना नैले के साथ रगड़ूंगा, ये सारा गंद जो है ना दोस्तों ये निकला हुआ। ठीक है, ये देखें ये बड़ी मेहनत से निकाला आपके भाई ने। ये कबूतर सारे ऊपर छोड़े हुए हैं जो फड़क के आए थे, जो हमारे पास उड़े उड़ाए आए थे, ये अभी फ़िलहाल ऊपर ही है। बड़ी दोस्त जो है ना इनको लेने के लिए मुझे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मैं इंशाल्लाह एक आधे दिन में इनकी प्रॉपर वीडियो बना के फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। ये सारी पूंडियाँ छूंडियाँ मैंने कहा चलें आज जो है ना, ये देखें फिर मौसम बना हुआ ख़राब ही। तो ये जब तक कबूतर लैस नहीं होते और जब तक ये बारिशों का मौसम नहीं ख़त्म होता, अब तक ऐसी सूरत आ रहा, दिल घबरा रहा, ऊपर सांस नहीं निकल रहा, बिल्कुल घुमा लगा वाला के बारिश के बाद जो है ना मौसम खुशगवार होता है। तो बस आपसे क्या वीडियो शेयर कर रहे हैं, बस ये मौसम निकले हैं तो कुछ बंदे को सांस आए, कोई चहलकदमी हो, एक दिन मौसम ठीक रहता है तो दूसरे दिन ये आ जाता है। मौसम की जो है ना बड़ा दखल अमला आपकी ज़िंदगी में। ये कबूतर है, ये देखें गीले हो गए, अच्छा ये देखें ऊपर जाल का भी सत्यानाश, बेड़ा गर्क हो गया, सारा गीला हो गया, ये भी सफाई करनी पड़नी है मुझे। ये कबूतर लैस हो रहे थे, ये देखें ये भी बेचारे जो है ना गीले हो गए हैं। मैं शो करवाता हूँ आपको टैडी कबूतरी का, ये देखें चेक करें, ये देखें कैसी ने आप मार दिया, ये देखें चेक करें, बड़ी नयाब चीज़ है। ये भी कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, ये देखें, और ये देखें ये भी कुछ कबूतर बैठे हुए हैं, इनका भी आपको मैं शो कराता हूँ। धूप एकदम निकला ये तेज़ दोस्तों। तो वीडियो आज की यही थी कि मैंने कहा चलें आपको बताएं दोस्तों, बाजी तो अपनी बराबर हो गई है और बहुत सारे लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे थे उल्टे सीधे, बताऊँ उनको बात क्या है कि जो है ना किसी को गमगीन देखकर, किसी को दुख में देखकर, किसी का बुरा हाल देखकर तो बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन किसी को खुश देखकर ना किसी का जो है ना वो दिल नहीं मुतमिन होता। इन शॉर्ट के आपके सामने देखें केला बंदा हूँ मैं, और आप भी केला हूँ और आगे भी केला ही हूँ, मुझे पता है जब तक मेरा शौक है। तो आना जाना तो लगा रहता है लेकिन कोई भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि किसी का वहाँ प्रॉपर टाइम होता भी नहीं है देने के लिए। तो जो है ना अब अच्छा हुआ जो हो गया, इंशाल्लाह अब कप शप में एंट्रियाँ कराएंगे, चारों त्वार कप हैं। और असू में आपको पता है, असू में एक बड़ा डायलॉग मशहूर है, असू के कसे कोई रोए तो कोई हंसे, यानी कि बाजी। ये देखा ना ठीक 15 मिनट पहले शदीद तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं नहा पड़ा हूँ, हालांकि आज तक मैं बारिश में जब से शुरू हुई है मैं नहाया नहीं, मैं कहा चलो आज सफाई भी कर लेंगे साथ। ठीक 10 मिनट बाद चुपती धूप निकल आई है जो कि खड़ा नहीं होने दे रही, और इससे पहले कि हमें कोई नुकसान करे धूप हमारे सर पे जाए हम नीचे निकल जाते हैं, कबूतरों को सारा एलविड में कर देते हैं। आज ठाना हुआ कि यार आज सफाई करनी है हर सूरत, सारे खुडे सफाई करेंगे, इतने दिन कीड़े जमा हो गए। तो इंशाल्लाह भी बाजी तो मेरी किसी से नहीं है, लेकिन आप दोस्तों से वादा रहा इंशाल्लाह। ये देखिए ये कबूतर किस लिए पुटे थे, उड़ाने के लिए पुटे थे ना। और जो लोग बातें करती हैं ना उनको मैं ये कह दूँगा, हालाँकि मुझे फ़र्क किसी की बात का कोई भी नहीं पड़ता, लेकिन जो करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 इतवार उड़ाए हैं, उससे पहले भी वो साग उड़ाया है, अपने आंसू उड़ाया, हारा जीता एक बात की बातें आपने वीडियो देखी होगी। तो दिनों में कबूतर को जाए, लेकिन अब मुझे फ़ायदा अड्डा हम दोबारा इंशाल्लाह लगा रहे हैं, और ये कबूतर और 10-15 दिन की बात है ये लैस हो जाएंगे, इनके रंग लगा के इनके पर बांध के इनको बाहर छोड़ दिया करेंगे, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे इंशाल्लाह। ममटी का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, वो तो मुझे तो उसका तरह इंतज़ार है, आपकी सोच होनी है उसके ऊपर, क्योंकि मैंने फिर जाल भी रखना है, जाल रखूँगा ज़रूर अब मैं इंशाल्लाह। ये मैं ज़रा वीडियो में कर दूँ, कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे आ चुके हैं, हल्दी एंड एक्टिव है। एक कबूतर भी मैंने किसी को नहीं बीच में से दिया, एक टैडी सिंगल कबूतर भी किसी को दिया हो तो फिर कहिएगा। सारे के सारे वैसी केयर हो रही है जैसे पहले हो रही थी, ऐसा नहीं है कि इनकी बाजियाँ लग गई, हो सकता है मेरी मज़ीद किसी से भी लग जाएँ, लग के से बाहर किसी से लग जाएँ, क्योंकि जब कबूतर होना इंसान के पास तो फिर टेंशन किसी चीज़ की नहीं है। ये हमारा जूसरा चैंपियन, चल शाबाश। ये कुछ 4-5 ऊपर रह गए, ये देखें इनका भी आप शो करें, ये कुछ बच्चे बुच्चे ऊपर रह गए। ये शाजी वाली पट्टी देखें कैसी नया बनी है, टैट दे रहे इसने, बड़ा ही उड़ना है मेरे पास, और ये अगले सीजन भी काम आएगी अगर ये बची रही तो।
तो ये सारे कबूतरों को अपने विड में छोड़ दिए, क्योंकि विड भी बड़ा धोया, अच्छे तरीके से धोया है दोस्तों मैंने, बड़ी मेहनत की है इस पर, बड़े जतन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर मेरे हेल्दी एंड एक्टिव ही हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं। ये 100 से ज़्यादा कबूतर है इस टाइम, और ये सारा तैयारी वाला ही कबूतर है, ऐसे नहीं मैंने ला के पूटे हुए इनको दाना डारा, ये आज नहीं तो कल काम ही आएंगे मेरे। और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं बाजी भी जो है ना, अपल तो यार बाजियों से मैं वैसे ही जोड़ा था ना चालू, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं दिया जाता, सीधी और साफ बात है, केला बंदा हूँ मैं, केले से मुराद मैं हूँ वैसे केला ही, दाना भी मैंने केले ने डालना, उड़ाने भी केले नहीं है, कोई आदत है ना तो उसको स्पेशल बुलाया जाता है, ऐसे कोई नहीं आता दोस्तों, समझने की बात, कुछ बात जो है ना मेरी समझें, कि अगर हम किसी बंदे को बुलाते हैं कि यार हमें टाइम दे दो थोड़ा सा, तो जहरी बात है उसका अगर हम टाइम दे रहे हैं तो हमें भी उसको कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ता है, तो इस वजह से जो है ना बड़े मामला ख़राब सीधे हो जाते हैं जो कि अपने हिसाब में नहीं आते। तो कप में ये है कि टेंशन कोई नहीं है, तो कप वाले दिन जिस दिन बाजी होगी उस दिन जो है ना वो हम ज़रूर गेड़ा गुड़ा देंगे इंशाल्लाह। पहले तो और भी कप है सूखे, दूसरे भी है, धर्मपुरे का मियाँ मेरे का लाहौर कप में भी एंट्री एक इंशाल्लाह करवाएंगे, एंट्री की टेंशन नहीं है। तो जुए से बाजेंगे दूसरा शौक हो जाएगा, हमारा शौक हमारे हद तक ही है, अपने लिए कबूतर रखे हुए हैं मैंने अपना शुगल मेले के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए रखे हैं, और बहुत से बुराइयों से बचने के लिए, फिर भूषण बादल वाला बन गया और ये पसीना आ रहा है मुझे, जो कि बारिश का पानी था अभी मेरे सर पे। तो फुटो छुटो की यही हर दूसरे दिन यही हालत है, तो आजकल जो है ना वो पचीदगी है, बाहर मैं इसलिए निकाल रहा क्योंकि मैंने जाना नीचे, और जो है ना वरना मैं इनको निकाल के एक दफ़ा कर लेता, इनकी इनके पार अब आ गए हैं, क्योंकि अब इनको बाहर निकालना तो उन्होंने ऊपर जाके बैठना शुरू कर देना, ऊपर बैठेंगे गर्मी बढ़िया बंद नहीं होने। तो वो तो अलहमदिल्ला आप देख सकते हैं हेल्दी एंड एक्टिव हैं, सारे इस टाइम रेडी टू फ्लाई हैं, यानी कि वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पार आएँ और हम कब निकलें और कब जो है ना वो गगनचुम्बी तरीके से उड़ना स्टार्ट कर दें, ये बेचारे कब से इंतज़ार कर रहे हैं। हेल्दी एंड एक्टिव कबूतर है मेरे माशाल्लाह, और बड़े अच्छे तरीके से लैस हो रहे हैं, ऊपर वाले जो लाए हैं वो तो लैदा, ये देखें ये बच्चा भी ऊपर जाके बैठ गया, तो इनको इसलिए रखा है कि ये उड़े हैं, ऐसे नहीं इनको दाना डाल रहा ना ही मैं इनको कुछ कर रहा हूँ, तो ये सारी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर, तो ये सारी उड़ेंगे, सारों को डंडे पड़ेंगे, सारे काम पर जाएँगे, सारों से मजदूरी ली जाएगी, वो देखें वो जोसरी पट्टी कोई ऐसा नहीं है जो कि बख्शा जाएगा माँ सवाए एक या दो के। तो ये मेरी चपड़ी पट्टी जनियन उड़ी हुई पट्टी थी, तार को दे दी थी हमने, ये देखें आप इसका शो करें, भी आपको क्लोज करके थोड़े से कबूतरों का शो कराता हूँ, इसका ज़रा व्यू और अच्छा आता है, लोग कहते हैं ये देखें, ये देखें सारे इंतज़ार में है कि कब हमारे पार आएंगे, बस पर इंतज़ार सिर्फ जो है वो परों का है, और दोस्तों किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा खोखर विजन क्लब को। बाजी जो है ना फिलहाल अभी किसी से भी नहीं है, ना ही लगी है, पहले लगी थी वो बराबर होगी, उसकी वजह ये थी कि मल्लेदारी थी, और इस वजह से जो है ना हमने, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला मेरा, कोई बात करता है तो वो फिर खुद ही समझदार नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है बाजी उड़ाने से कौन से कोई फुल बोटे इंसान को लग जाते हैं, लेकिन कप हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आप लोग वीडियो देखते हैं आपका शौक रहेगा आपका भाई, ऐसा नहीं होगा नहीं कप में, हाँ सा हो सकता अगर कप वाले दिन कोई आके कह दे, मैंने तो अब किसी को नहीं कहना, क्योंकि धर्मपुरे की आपकी दुआ नहीं चाहिए दोस्तों, मुस्तफ़ाबाद धर्मपुरे में हर बंदा मोहब्बत प्यार इज्जत करता है और हद से ज़्यादा करता है, अगर मुंह पे नहीं करता तो पीछे नहीं करता, कहने का मकसद ये है कि करते हैं हम पीछे, मेरे कोई बात हो जाए तो हो जाए, लेकिन मुंह पे जब भी कोई भी मिला ना तो बड़े अच्छे तरीके से मिला, सब बड़े हैं कोई छोटे हैं, सब मोहब्बत इज्जत करते हैं, ऊपर से आपको पता है कोई हमारा तरीकाकार ऐसा वीडियोस बनाते हैं किसी के छत पे जाके किसी के पास, तो वो तमाम एक जो है ना अपना रिलेशनशिप बन जाता है, इस तरह मुझे तो कोई जिससे मेरा रिलेशनशिप होता है उससे तो मैं नहीं बाज मारूँगा कभी ना कभी कहूँगा, कोई खुद आजे शौक करने या कोई मोहब्बत प्यार से यार खोखर साहब आपसे शौक करना हमने उड़ा, अभी बाहर की बात जो है ना वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, अभी कबूतर तैयार कर लें, आगे जेठ मेरा लगा हुआ है वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर 100% आऊँगा, वो इंशाल्लाह उड़ेगा ही उड़ेगा, उसकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, वो आपका भाई उड़ाएगा, क्योंकि उनसे पहले भी बाजियाँ उड़ती रहीं, ये जो बाजी लगी थी ये अननोन बंदा था, नया बंदा था, उससे तल्लक था पर आपको जज्बाती होकर लगी, और आगे हमारा आपको पता शौक हुआ है, और बड़ा 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 अच्छा शौक हुआ है, दुनिया ने देखा वो शौक इंजॉय किया, दिन रात मेहनत उन्होंने भी किया, हमने भी किया, बाकी हार जीत तो एक हिस्से में आनी थी, और ऐसे ही है वो तो चलता रहता निज़ाम। तो अभी जो है ना सुबह 11:30 बजे का टाइम हो रहा होगा ऑलमोस्ट, कबूतर सारे मैंने विड में कर दिए हैं अपने, और ये वाले कबूतर हैं, कुछ ऊपर वाले कबूतर हैं, अभी फिर बारिश का देखें निज़ाम बन गया, यही सारे मसले मसाइल, अभी इनको पानी डालूंगा और वो विड मैंने फिर साफ़ करना, आज मैंने सारी सफाई कर देनी है, क्योंकि कबूतर जो है ना ये बीमारी का घर, आंखें आ रही हैं, कीचड़ जब बनता है बिठों में पानी जाता है पानी, और वो गीली हो जाती हैं, पैरों में पड़ती है, पैरों से दाना मुँह में डालता है कबूतर एक्सपायर, ये वायरस का घर होता है 98%। और ये जो है ना ऊपर कबूतर छोड़े हुए हैं, ये मैंने ऊपर ही आने देने हैं जब तक ये लैस नहीं होते, तो अभी हो सकता है मैं इनको खुद ही छोड़ लूँ, क्योंकि आपको पता है मैं खुद शौकीन आदमी हूँ छोड़ने वाला बंदों कबूतर,
तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मुझे दो तीन दोस्तों ने कहा यार ये कबूतर दे दो, चार पांच मादियाँ टैडी ऐसी आउट क्लास मादियाँ, वो साफ़ होने थे क्या पर आने थे, फिर आपने कहना यार क्या बात है ये। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद ही इनको उड़ाऊँ, वो बच्चा तार की तरह से आता वो भी ऊपर छोड़ा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये देखें ये सारे कबूतर हमारे हेल्दी एंड एक्टिव तरीके से इंग्लिश है, और ये साफ़ कर लिया मैंने, एक रह गया ये देखें, ये इसलिए साफ़ किया क्योंकि जब इतना वो गंद अगर इसमें बारिश पड़ जाती, क्योंकि ये दरवाजे का निज़ाम सीधा पदरा नहीं है, यहाँ से अगर इस रुख की बारिश होती तो सारा गीला उसने कर देना था हमारा निज़ाम, इसकी वजह से ना हमें काफ़ी मसला दरपेश होना था। तो कबूतरों की देखभाल भी बड़ी ज़रूरी है आजकल के दौर में, बस यार दुआ जल्दी जल्दी ये लैस हो जाए ना, ऊपर बैठना शुरू हो जाए फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। फिर नीचे से सफाई या भी नीचे होते हैं इसलिए नीचे गंद ज़्यादा डालते हैं, और अभी ज़्यादा चांसेस हैं इनके पैर में जो है ना ये बिठो वाला निज़ाम होने का। फिर बाहर से भी अभी परसों मैंने छत धोई हफ्ते वाले दिन, और आज फिर अच्छे तरीके से पूरा वेपर लगा के पानी मार के धोया, फिर अगले दिन धोनी पड़ रही है। ये जब तक बरसात है कुछ ऐसा ही निज़ाम चलता रहेगा। तो माशाल्लाह कबूतर मेरे हेल्दी एंड एक्टिव है, देखें थोड़ा सा मैं दाना डालता हूँ कैसे खाते हैं। ये मैंने दाना रखा हुआ फ़िलहाल इसके ऊपर, ये डाला ये देखें इसके ऊपर भी कितना पानी पड़ा हुआ दाना, अल्हम्दुलिल्लाह बार बार दिखाया मैंने वीडियो में। ये देखें चेक करें, अभी सारों को बाहर निकाल दूँगा ना तो सारी हेल्दी एंड एक्टिव है, लेकिन ये है कि अभी निकालने का कोई जवाब नहीं है इनको, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जब थोड़े थोड़े आ जाएंगे ना बाहर परों पे तो फिर इंशाल्लाह इनको बाइट निकाल के ना बैठ जाया करूँगा, क्योंकि यही मेरा राज है कबूतर। ये देख लीजिएगा मेरे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह जो नए व्यूवर्स हैं, और जो ये सारे कबूतर आपका भाई आपको कि जाके दिखाएगा ना कि जाके दिखाएगा तो हमारा नाम भी खोकर नहीं इंशाल्लाह। अड्डा लगने दे, सिर्फ जल्दबाजी में कबूतर जाता है वरना कबूतर नहीं जाता आपका। अब मैंने सत्तू पी के प्यार से इनको लैस करके इनको टांग के रंग लगा के इनको बाहर बैठा दिया करना, हल्का सा डंडा मारना ऊपर बैठे, ये सारे ही गिजेंगे क्योंकि इसमें इसके खून में गिजना है, जहाँ से उड़ता है ये वहीं पर ही वापस आता है। तो ये सारे मामला जो है ना इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भाई को बुरा लगा बाजी ना उड़ाने से तो उसको मैं ये कह दूँ असू के मेरे कम से कम पहले दो तो बार तो कप में उड़ेंगे ही उड़ेंगे, बाकी दो बार देखते हैं इंशाल्लाह। और ममटी हमने डालनी है, फाइनली डालनी है, और हो सकता है अगर ममटी का काम शुरू कर दिया तो फिर वो तो वार भी नहीं उड़ा पाऊँगा, तो अब तो जवाब ही कोई नहीं है ना डालने के इंशाल्लाह। ये ऊपर अल्लाह सची दबाएंगे, उसके ऊपर 6 फुट खुडे बनाएंगे, फिर ऊपर बड़ा जाल रखेंगे, साथ चिड़ी मारी करेंगे, साथ शो करेंगे, साथ आपको इन्जॉय कराया करेंगे इंशाल्लाह। बस ये बहुत जल्द होने वाला काम, बस दुआ करें हमारे लिए, दुआ को हों, बाकी हम आपके लिए दुआ को होंगे। बारिश का फिर निज़ाम, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लग रही है तो मैं इनको पानी डाल दूँ। बेसिकली मैं ऊपर पानी डालने ही आया था कबूतरों, लेकिन हुआ ये है कि बारिश ऐसी हो गई है कि वो सारा निज़ाम जो है ना उल्ट पुलट धरम भरम हो गया। तो अभी कबूतर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं, ये देखें सेट मेटा भी, वहाँ से भी मैं सोच रहा हूँ कि सफाई कर ही दूँ, क्योंकि वो वाला जो है ना एरिया वो इस एरिया से थोड़ा कम गंदा है, वो थोड़ी देर में ही साफ़ हो जाएगा। बाकी कबूतर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 50% तो लैस हो चुके हैं, बल्कि 50% से ज़्यादा ही लैस हो चुके हैं, बस थोड़ा इंतज़ार है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है, कि एक दिन इंतज़ार करना पड़ रहा है मुझे इनके बारे में ना, ये कब लैस होंगे कब जो है ना वो जाएँगे। पानी थोड़ा सा डाल दें फिर वीडियो एंड करते हैं, ऊपर आता हूँ ना तो फिर वीडियो बनाए बगैर मेरे से रहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों वीडियो बना के ना ज़रा दोस्तों अपना इंतज़ाम चल जाता है। बाकी इनको पानी डालें हम, ज़बरदस्त हो गया, इसकी देखभाल करने का मज़ा बहुत आता है जब ये उड़ के आते हैं, बाप एक लाता ही प्यार होता है मालक को ना परिंदे से, यार उड़ के आए मेरा कबूतर, मैं ऐसे ज़रा लगाओ करूँ प्यार करूँ। अब ये जहर लग रहे हैं मुझे इस टाइम, क्योंकि जो है ना ये एक मिनट दोस्त बिस्मिल्लाह, अब इनके लिए बोतलें भी लानी है तो आगे इनको बोतलों में पानी दिया करना। ये माशाल्लाह जी लेकिन दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, दुआ में याद रखिएगा, बस कबूतरों के लिए दुआ कीजिएगा, बाकी आपका भाई ज़रूर उड़ाएगा, कब शब उड़ाएगा, यार रख भी दिया ना ऊपर ममटी बन भी दी, उड़ाऊंगा ज़रूर मैं भी, नहीं इतना इनको दाना खिलाया इतना इन पर टाइम इन्वेस्ट किया है, कुछ ना कुछ तो फिर पंगा करेंगे ना। अभी इतनी ख्वाहिश है ना आपको मैं क्या बताऊँ, इंतज़ार इतना मुझे कि बस ये जल्दी जल्द लैस हो जाए, और वो देखे ना साथ उन्होंने बच्चे उड़ाते हैं, इतना दिल करता है मेरा भी यार के मेरे भी कबूतर उड़े, क्योंकि अब मैं बोर हो गया हूँ, उदास हो गया हूँ, इनको काफ़ी टाइम हो गया, कितने महीने हो गए ये अंदर ही पड़े हुए हैं, तो कप के बाद जेठ में भी अंदर ही बेचारे पड़े रहे हैं, बाहर आने का इनको मौका ही नहीं मिला, तो ये कब आएँ कोई झंडी झुंडी मारें कोई छत पर रौनक मेला लगाएं, यार ऐसे तो बार इनको दाना डाल के नीचे फिरते फिरते ना बोर हो चुका, और बहुत जल्द मेरी ख्वाहिश है कि वो देखें, वो मैंने खोल दिया दरवाज़ा, सारे जा रहे हैं, तो फिर मिलते हैं जी, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और बस थोड़े दिन की बात है
उसके बाद दो जा रहे हैं, तो दो आ रहे हैं, कोई शाम को आ रहा है, कोई अगले दिन आ रहा है, इंशाल्लाह।